दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंफोसिस लिमिटेड के बारे में। इंफोसिस की तरफ से रिसेंटली अभी यानी कि 15 मिनट पहले ही एक बड़ी अपडेट्स निकल कर आ रही है। इनसाइडर ट्रेडिंग से रिलेटेड यहां पर एक केस निकल कर आ रहा है जिसमें इंफोसिस के अंदर सेबी ने यहां पर फाइन लगाया है यानी कि जुर्माना लगाया है। तो एक बहुत बड़ी अपडेट्स यहां पर निकल कर आ रही है। पूरी न्यूज़ को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। साथ ही साथ अगर आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के और सबसे पहले बात कर लेते हैं इंफोसिस के आज के ट्रेडिंग सेशन के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इंफोसिस के अंदर आज भी हमें लगभग 14 पॉइंट की बड़ी तेजी यहां पर देखने को मिल चुकी है। साथ ही साथ आज की अगर इंफोसिस की ओपनिंग प्राइस को आप देखेंगे तो एक गैप अप ओपनिंग हमें आज इंफोसिस के अंदर देखने को मिली और इसी के साथ में इंफोसिस के अंदर अगर आज के वॉल्यूम बेस काम की तरफ आप नजर मारेंगे तो 50,18,477 क्वांटिटी आज के दिन हमें ट्रेड होते हुए इंफोसिस के अंदर देखने को मिल रही है, जिसके सामने 73% क्वांटिटी डिलीवरेबल बेस पर उठाई गई है। साथ ही साथ जैसा कि आपको बताया कि इंफोसिस के अंदर अभी बायबैक भी आपको यहां पर रन होते हुए देखने को मिल रहा है, जिसके चलते आज भी इंफोसिस के अंदर 14,99,000 शेयरों का बायबैक किया गया है। ये बायबैक दिसंबर 2021 तक चलने वाला है। तो डेली बेसिस पर बायबैक की अपडेट्स भी आपको यहां पर इंफोसिस के तरफ से देखने को मिल रही है और इसी के साथ में इंफोसिस की तरफ से जो इनसाइडर ट्रेडिंग की बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है, बिना किसी देरी के उस न्यूज़ की तरफ चलते हैं और उस न्यूज़ का कल के ट्रेडिंग सेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है उसे भी जानेंगे। सबसे पहले मैं यहां पर आपको न्यूज़ बता देता हूं। रिसेंटली 14 मिनट पहले ही ये न्यूज़ पब्लिश करी गई है बिजनेस स्टैंडर्ड की तरफ से, जिसमें आप देख सकते हैं सेबी लिवाइज ₹12 लाख फाइन ऑन इंडिविजुअल फॉर इनसाइडर ट्रेडिंग इन इंफोसिस। तो अगर मैं कंप्लीट न्यूज़ कवर करूं तो आप देख सकते हैं सेबी ने यहां पर 12 लाख रुपए का फाइन लगाया है इंफोसिस के मामले में इनसाइडर ट्रेडिंग को देखते हुए। चलिए कंप्लीट न्यूज़ कवर कर लेते हैं। मार्केट रेगुलेटर सेबी ऑन मंडे इम्पोज्ड अ टोटल फाइन ऑफ ₹12 लाख ऑन एन इंडिविजुअल फॉर इनसाइडर ट्रेडिंग इन द शेयर्स ऑफ इंफोसिस लिमिटेड। द इंडिविजुअल प्रतीक सर्वगी वॉज द एसोसिएट मैनेजर बिजनेस फाइनेंस विद इंफोसिस ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन पीरियड। सेबी हैड कंडक्टेड एन इन्वेस्टिगेशन इन द स्क्रिप ऑफ द फर्म टू असर्टेन इट मार्केट नॉर्म्स इंक्लूडिंग द प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस वेयर वायोलेटेड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इंफोसिस की तरफ से 12 लाख रुपए का फाइन लगाया गया है। It was observed that Infosys had announced financial result for the quarter ended 31st December 2016 on 13 January 2017. Pratik was in possession of unpublished private sensitive information related to result of Infosys and traded in the script during the UPSI period in violation of market norms. तो यहाँ पर प्रतीक जो कि Infosys के अंदर ही आपको देखने को मिल रहा है उन्हें उनके ऊपर ये फाइन लगाया गया है सेबी की तरफ से 12 लाख रुपए का। और ये जो इनसाइडर ट्रेडिंग का मामला निकल कर आया है ये 31 दिसंबर 2016 से लेकर 13 जनवरी 2017 के बीच के पीरियड का यहाँ पर निकल कर आ रहा है। बिसाइड्स प्रतीक बिंग अ डेजिग्नेटेड पर्सन ऑफ इन्फोसिस बाय ट्रेडिंग इन द स्क्रिप ऑफ इन्फोसिस वेन द ट्रेडिंग विंडो वॉज क्लोज ऑल्सो वायोलेटेड मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर लिस्टेड कंपनीज अंडर द PIT regulations। तो यहाँ पर जो regulations रहते हैं as per Companies Act 2013 यहाँ पर आप देख सकते हैं वो regulations यहाँ पर प्रतीक ने break किए हैं, जिसको देखते हुए यहाँ पर सेबी ने 12 लाख रुपए का फाइन यहाँ पर प्रतीक के ऊपर लगाया है। मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ कि प्रतीक जो कि यहाँ पर डेजिग्नेटेड पर्सन है इन्फोसिस के, इन अनदर ऑर्डर सेबी लिवाइड अ फाइन ऑफ ₹12 लाख ऑन एन इंडिविजुअल फॉर डिस्क्लोजर लैप्सेस पर्टेनिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन अवीना इंडस्ट्रीज लिमिटेड शेयर्स। द इन्वेस्टिगेशन वॉज कंडक्टेड बिटवीन January 2014 एंड January-August 2015। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत बड़ी अपडेट्स यहाँ पर हमें सेबी की तरफ से इन्फोसिस से रिलेटेड आते हुए देखने को मिल रही है। इन्फोसिस ने रिसेंटली अपने क्वार्टर वन के नंबर्स यहां पर अनाउंस किए हैं। नंबर्स काफ़ी शानदार रहे हैं। रेवेन्यू के अंदर हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 21% की ग्रोथ, नेट इनकम के अंदर 26% की ग्रोथ, EPS यानी कि अर्निंग पर शेयर रेशियो के अंदर 30% की ग्रोथ और नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर लगभग 4% की ग्रोथ हमें यहाँ पर देखने को मिल चुकी है। साथ ही साथ
जो इनसाइडर ट्रेडिंग का मामला इंफोसिस के अंदर निकल कर आया है, अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट आपको कल के ट्रेडिंग सेशन में बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर ये अपडेट सिर्फ आपके अवेयरनेस के लिए आपके साथ प्रोवाइड करी गई है। साथ ही साथ इंफोसिस के लिए जो टेक्निकल रेटिंग यहाँ पर निकल कर आ रही है, काफ़ी बुलिश की टेक्निकल रेटिंग निकल कर आ रही है, यानी कि अगर आपने शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी कहा था, मैं वापस आपको बताना चाहूँगा कि इंफोसिस के अंदर आपको दिसंबर मंथ तक 1750 रुपये के टारगेट यहाँ पर नियरली देखने को मिल सकते हैं। कल के ट्रेडिंग सेशन के दौरान इंफोसिस के लिए जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल रहने वाले हैं, आइए उसे भी जान लेते हैं। सबसे पहला रेजिस्टेंस 1659.23 रुपये का, दूसरा रेजिस्टेंस 1668.27 रुपये का और तीसरा रेजिस्टेंस 1675.88 रुपये का निकल कर आ रहा है। साथ ही साथ सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट 1642.58 रुपये का, दूसरा सपोर्ट 1634.97 रुपये का और तीसरा सपोर्ट 1625.93 रुपये का निकल कर आ रहा है। साथ ही साथ यहां पर कमेंट सेक्शन बॉक्स में हम हर एक कमेंट्स को यहां पर रीड करते हैं जो भी आप यहां पर शेयर्स करते हैं, क्योंकि हर एक के रिप्लाई देना तो पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन हम उन कमेंट्स को हमारे वीडियोस के अंदर इंक्लूड करने की पूरी तरीके से कोशिश करते हैं। लास्ट ईयर इंफोसिस की वीडियो में ही हमारी एक व्यूअर्स ने, यानी कि हमारे एक फैमिली मेंबर्स ने यहां पर कमेंट करी थी कि सर जब भी आप वीडियो बनाएं तो उसमें शेयर्स की क्वांटिटी भी हमें यहां पर बताएं कि कितनी शेयर की क्वांटिटी यहां पर बाय कर सकते हैं विद इन अ वन टाइम। तो मैं यहां पर बताना चाहता हूं कि आप किसी भी शेयर्स के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट करें तो यहां पर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं करते हुए पार्टली इन्वेस्टमेंट करें, यानी कि अगर आप किसी शेयर्स की 100 क्वांटिटी खरीदना चाहते हैं तो एक बार में 100 क्वांटिटी नहीं खरीदते हुए 5 बार में 20-20 क्वांटिटी परचेज करें, जिससे आपका एवरेज वहां पर बेटर हो सकता है और आप प्रॉपर लर्निंग के साथ यहां पर चल सकते हैं। साथ ही किसी कारणवश अगर शेयर्स के अंदर गिरावट भी होती है तब भी आप अपने रिस्क को वहां पर मैनेज कर पाएंगे। इंफोसिस को लेकर कम्युनिटी सेंटीमेंट्स की अगर बात करें तो 83% इस शेयर को लेकर बाय की कॉल और 4% होल्ड की कॉल निकल कर आ रही है, यानी कि ओवरऑल 87% एनालिस्ट इस शेयर को खरीदने की यहां पर सलाह दे रहे हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपने भी इंफोसिस के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा। यदि आपने इस आईटी सेक्टर की, इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, ताकि इंफोसिस से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स हो तो वो हम आपके लिए रेगुलर बेसिस पर लेकर आते रहें। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर किसी इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।